अब मैं बसद अदब एहतराम गुजारिश गुजार हूँ इमाम सज्जाद वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन आली जनाब सैयद मुजाहिद हुसैन नकवी साहब से कि वो आएँ और चंद कलेमात पेश करें। इस्तकबाल नारे दुरूद से करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही खुशी के इस मौके पर हम आप सबका यहाँ पे इस्तकबाल करते हैं, मगर इस खुशी के मौके पर आने के लिए सरकार बहुत दिनों से बहुत कुछ फेस भी कर रहा हूँ, मगर इत्तेफाक ऐसा है सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए। कुछ लोगों का कहना था कल कि आप इसका जवाब व्हाट्सएप के ऊपर दे दीजिए। भाई व्हाट्सएप के ऊपर तो जवाब हम तो नहीं देंगे, अगर है किसी में ये मौलाना व्हाट्सएप के ऊपर कल आया कि 63x100 फीट की ये मस्जिद की जगह यहाँ के ऊपर संगे बुनियाद रखी गई थी। मौलाना हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, इस रोड से जो भी मौलाना निकलता था रास्ते में रोक लिया जाता था, सरकार संगे बुनियाद रख दीजिए। अब मुतवल्ली कौन है, यहाँ का सरप्रस्त कौन है, उससे कोई इजाज़त नहीं लेना। कुछ नहीं, चार ईंटें धुले, दो तसले बालू लाए, थोड़ी सीमेंट मांग के लाए, उसके ऊपर लेप लगा के संगे बुनियाद रखा दी गई। इसी का शिकार हुए हैं मेहंदीपुरी साहब, वो फैजाबाद जा रहे थे, रास्ते में यहीं पर रोक लिया गया। आ गए संगे बुनियाद रख दीजिए, कल से व्हाट्सएप के ऊपर ये भी चला रहे हैं। अरे तो सामने रोड भी बनाई हुई, अपने आप को कहने वाला खादिम बता रहा है कि हमने संगे बुनियाद रखी 100x63 की जगह थी, यानी 6300 स्क्वायर फीट। मैं इंजीनियर हूँ, मेरे बाप माँ बाप ने बहुत मुश्किलों से पढ़ाया है, बाहर रहा हूँ, गरीबी भी देखी है, मैं लेमारी नहीं की आज तक किसी की। कोई भी आ करके ये कहे कि मुजाहिद हुसैन नकवी 10 रुपए भी किसी का चाहता है, हम ज़िंदगी भर उसकी ग़ुलामी करने के लिए तैयार हैं, मगर इल्ज़ामात से नहीं। सारे मौलानाओं को उसने, अभी यहाँ पर एक मौलाना क्या नाम था जो आए थे, जिनका 9-10 हज़ार रुपये भी मार दिया था, नहीं राहत साहब आए, एक महीना इन्होंने यहाँ नमाज़ पढ़ाया था। राहत साहब तंजीम में मिलते हैं सरकार, आप कन्फर्म कर सकते हैं, एक महीना उन्होंने नमाज़ पढ़ाया। यहाँ के जितने करबला के पास में रहने वाले और लकड़ा बाग के सब ने चंदा इकट्ठा किया, 32,000 रुपये हुआ, 32,000। उनको दिया गया मात्र 21,000 रुपये। डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कह रहा हूँ, है ना, 21,000 रुपये दिया गया, मौलाना के 9-2 11,000 रुपये वो मार दिए गए, वो भी 9-2 11 हो गए। हम लोग, भाई मैं पेशे से कॉन्ट्रेक्टर हूँ, ठेकेदार हूँ, गवर्नमेंट का काम करता हूँ, कोई भी प्रपोजल बनता है इसकी मैं RTI भी दाखिल करूँगा, कोई भी हो मैं करूँगा, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी गेट, कोई भी काम यहाँ के ऊपर पूरा कंप्लीट नहीं किया गया। क्यों, ये सरकारी पैसा लगा हुआ है इसमें, जिसमें आप बैठे हुए हैं ये सरकारी माल है, मगर इसमें गेट भी किसी शायद डॉक्टर असद अब्बास साहब ने लगवाया, दरवाजे ये एल्युमिनियम के जो काम कराया, पंखे कोई दूसरा लगवा दे रहा है, फ्रीज़र का काम कोई दूसरा करा रहा है, और दो दो फ्रीज़र का पैसा लिया गया, एक फ्रीज़र लगा एक का गायब हो गया, ये नहीं मालूम कहाँ गया किसके पास गया, अपने आप को बेचारा खादिम कह रहा है। खादिम तो असली वो लड़का है शादाब जो सुबह 8 बजे आ रहा है, रात के 8-9 बजे जा रहा है यहाँ से, अपने हाथ से सफाई भी करता। खादिम तो देखे पीछे बैठे हैं मुन्ना भाई, हमने इनको देखा यहाँ तपती दोपहरी में बैठ के काम करते हुए, अपने हाथ से काम किया इन्होंने, ये मजदूरी नहीं की इन्होंने, यहाँ पे खिदमत की है, ये बग़ैर लालच के इन्होंने काम किया। आज व्हाट्सएप के ऊपर बेहतरीन कल से चला रहा है कि 13 तोला सोना भी ले गए, अभी हमारे घर पर पुलिस वालों को भी भेजा था।
तो भैया हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं, पुलिस भेजो या फोर्स भेजो। हम उस वक्त भी यहाँ पे इमाम सज्जाद सोसाइटी, जब यहाँ पे जश्न इमाम सज्जाद था, चैलेंज करके गए थे। आज भी मैं कहता हूँ कि अगर है हिम्मत तो सामने आकर के कहो, तब तो मानी जाएगी। पीठ पीछे तो यूँ तो हाथी निकलता रहता और भोगते रहते, वो काम ही अलग हो गया। हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ज़रूर कहेंगे हमारे भाई अली जनाब मौलाना तहकीक साहब गुजरात से तशरीफ़ लाएँ। ये इत्तेफाक है कि हम लोगों के बीच में यहाँ पे आ गए इस मुबारक मौके पर। कुमैल अब्बास साहब, इनकी माशाल्लाह शादी भी होने वाली है, सब लोग मुबारकबाद भी दीजिए, दुआ भी करिए। बस इतना ही कहेंगे कि जिसको जो कहना है भाई सामने आके कह लो, हम सामने निपटेंगे। फेसबुक और व्हाट्सएप के हम शेर नहीं, हम सामने के शेर हैं। पीठ पीछे कोई बात नहीं कहेंगे, जो करना है वो हम सामने कहेंगे, सामने सुनेंगे भी। हमारे एक बुज़ुर्ग शायर यहाँ से गुजरे हैं, अब उनका नाम तो माशाल्लाह ता क़यामत रहेगा, उन्हीं का एक शेर है, बात हम यहीं पे अपनी ख़त्म करेंगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि दो नहीं तीन माशाल्लाह से भी आलम दीन मौजूद हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं है। भाई एक ये डॉक्टर साहब कि कहकशां जिसके लिए राह सफ़र होती है, ये हमारे चचा मकासिद हुसैन रिजवी साहब आज़र बाराबंकी के नाम से जाने जाते थे, उनके लिए है। उनका शेर था कि कहकशां जिसके लिए राह सफ़र होती है, उसकी लम्हात की सदियों पर नज़र होती है, और डूब जाता है जब अपने ही लहू में सूरज, डूब जाता है जब अपने ही लहू में सूरज, तब कहीं दीन की बस्ती में सहर होती है। और उन मुनाफिकों के लिए एक शेर कर रहा हूँ कि आज तुम हम पर करो तंज मगर हश्र के दिन। कल कहा गया था कि हश्र तक नहीं छोड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ कि आज तुम हम पर करो तंज मगर हश्र के दिन। देखना धूप किधर छाँव किधर होती है, देखना धूप किधर छाँव किधर होती है। इन्हीं अल्फाज के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और सबका इमरान भाई के पास सबका कच्चा चिट्ठा रखा हुआ है, इमरान रिजवी बैठे हुए हैं। हम इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने कीमती वक्त दिया। हाँ एक चीज़ ज़रूर हम कहेंगे, ये चंदे से नहीं बन रही है, मगर आप लोगों से एक गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके। मैं रहता लखनऊ में हूँ, अगर आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा, आप अगर 10 मिनट का आधे घंटे का तावुन भी कर दें यहाँ के ऊपर टाइम दे करके, वो हम लोगों के लिए या इस रोज़े के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि कहीं पर कोई मटेरियल, कहीं पर कोई अगर कुछ 19-20 करने की कोशिश करे तो उसको आप रोक सकते हैं। पूरा हक है, पूरे हक के साथ। खुदा हाफिज़।